पीएम मोदी को हर साल उपहार में हजारों लाखों सामान मिलते हैं। ऐसे में एक बार फिर पीएम को देश भर से मिले लगभग 1200 तोहफों की ई नीलामी की जाएगी। नीलामी 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगी। पीएम को मिले उपहारों में कई बेशकीमती वस्तुएं भी हैं। नीलामी के लिए रखी जाने वाली वस्तुओं की कीमत 100 रुपए से 10 लाख रुपए तक होगी। खास बात यह है कि उपहारों की नीलामी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल नमामि गंगे मिशन में किया जाएगा। पीएम मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी का यह 4th संस्करण होगा। नीलामी वेब पोर्टल pmmementos.gov.in के माध्यम से आयोजित की जाएगी और 2 अक्टूबर को समाप्त होगी, जहां उपहार प्रदर्शित किए जाते हैं। पीएम को कई खिलाड़ियों, राजनेताओं और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिले उपहार नीलाम होंगे। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के अधिकारी के मुताबिक पदक विजेता खिलाड़ियों द्वारा हस्ताक्षरित टी शर्ट, बॉक्सिंग दस्ताने, जैवलिन और रैकेट जैसी खेल वस्तुओं का एक विशेष संग्रह है। इसके अलावा उपहार में उत्कृष्ट पेंटिंग, मूर्तियां, हस्तशिल्प और लोक कलाकृतियां भी शामिल हैं। इसके अलावा उपहारों की सूची में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा उपहार में दी गई रानी कमलापति की एक मूर्ति, एक हनुमान जी की मूर्ति और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उपहार में दी गई एक सूर्य पेंटिंग और हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर द्वारा उपहार में दिया गया एक त्रिशूल शामिल है। अन्य यादगार वस्तुओं में अयोध्या में आगामी श्री राम मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृतियां और मॉडल शामिल हैं। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNN।